जब किसी महिला को प्रसव होता है तो डिलीवरी के बाद उसके ब्रेस्ट एक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनमें दूध निकलने लगता है। और यह एक प्रकृति का नियम है कि बच्चा आया तो उसका खान पान भी साथ साथ तैयार है। तो मिल्क एंगॉर्जमेंट में क्या होता है कि जो दूध बनता है वो अगर नहीं बाहर निकल पाता है तो वो अंदर जमा हो जाता है, और जमा होने से स्तन बहुत कड़े हो जाते हैं, और कड़े स्तन होने से माँ को दर्द होता है, बुखार भी हो सकता है, और बच्चा खींच भी नहीं पाता है, जिससे कि दूध निकलता नहीं है और वो फिर अंदर बना रह जाता है, कड़ापन होता है, और कभी कभी तो उसमें इन्फेक्शन होता है, मस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ माँ को हो जाती है। इसे मिल्क एंगॉर्जमेंट कहते हैं। इस समस्या को अगर किसी महिला को हो रहा है तो कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले आप महिला को बताएं कि वो नियमित रूप से स्तनपान कराए, जिससे कि जो मिल्क स्तन में भर रहा है वो वहाँ जमा हो के ना रहे, वो बच्चे को मिल जाए, निकाल ले, बच्चा वहाँ से पी ले, निकाल ले। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार बच्चा पी लेगा फिर मिल्क भरता है, फिर बच्चा पीता है, तो इस तरह से वो अगर निकलता रहा तो एंगॉर्जमेंट नहीं होता है। कभी कभी माँ लोग ऐसा भी करती हैं कि एक बार अपना दूध पिलाई, फिर एक दो फीड ऊपर से देती हैं, फिर अपना देती हैं, ऐसे में भी इस तरह की समस्या हो सकती है। दूसरा और है कि बच्चा जैसे ही पीना शुरू करता है वो सो जाता है, और माँ बच्चे को सुला देती हैं, और वो मिल्क पूरा खाली होता नहीं है, तो ऐसे हालत में बच्चे को जगा के उसको पूरा भर पेट दूध पिलाना चाहिए, प्रेफरेबली एक ब्रेस्ट से 15 मिनट, दूसरे ब्रेस्ट से 15 मिनट, इस हिसाब से पिलावें तो वो खाली हो जाता है और ये समस्या नहीं होती है। अगर किसी महिला को अगर ये समस्याएं हुई हैं तो वो डॉक्टर के पास उसे कब जाने की ज़रूरत पड़ती है? महिला को तो जैसे ही बहुत दर्द होने लगता है और दूध नहीं निकलता है, और बच्चा भूख से रोता भी रहता है, और फिर भी वो खींचता है और दूध नहीं निकलता, वो आ जाती हैं दिखाने के लिए। तो पहला चीज़ तो अगर भर गया है मिल्क और निकल नहीं रहा है तो उसको हाथ से ब्रेस्ट को प्रेस करके मिल्क को बाहर निकालिए, नहीं तो ब्रेस्ट पंप का आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर उस पर भी नहीं होता है तो हम लोग ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन भी देते हैं जो दूध को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। और तीसरा, अगर दूध अधिक हो रहा है, जितना बच्चा नहीं खींच रहा है, तो एक सपोर्ट होना चाहिए, जैसे बड़े साइज का ब्लाउज या कुछ ऐसा पहने कि वो सपोर्ट रहे कि उतना ही दूध भरे, बहुत नहीं भरे, ऐसा करें। और उसको गर्म पानी से सेंक भी सकते हैं, और उससे भी दिक्कत हो रही है, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो फिर कोई दवा लिखना होता है तो वो लिखते हैं, उससे हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन, जो महिलाएं जो बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उन्हें किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग बोलते हैं कि दूध पिलाने के पहले सादा पानी कॉटन से ब्रेस्ट निपल को चारों तरफ से साफ करें, दूध पिलाने के बाद फिर से उस निपल को सादा पानी से साफ करें। इससे अगर बहुत रफ स्किन है वहाँ तो हम लोग क्रीम लिख के देते हैं, निप केयर या क्रीम आती है, जो आप निपल पर लगा लें, जिससे कि निपल सॉफ्ट रहे, और पिलाने के पहले उसको साफ कर दें। होता क्या है कि बच्चा दूध जब पी लेता है तो निपल के ऊपर दूध की एक पतली परत जम जाती है, और वो उससे निपल क्रैक भी हो जाता है, और वहाँ इन्फेक्शन होने का डर होता है, और उसके चलते इन्फेक्शन अंदर तक चला जाता है, मस्टाइटिस जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये प्रिकॉशन ज़रूर से लेना चाहिए हर माँ को दूध पिलाने में। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।